उस क्षेत्र में ऐसी चर्चा चल रही है। सबसे ज्यादा बालाघाट जिले में लोगों की नजर लांजी क्षेत्र पर ही थी, क्योंकि एक तो डबल मनी कांड हो गया था, उसके कारण ऐसा सोचते थे कि किस उम्मीदवार को खतरा है कि क्या है करके। तो इस टाइप से अभी क्या हुआ कि जो रमेश भटेरे जी, उनको टिकट नहीं दिया गया है, किराए को दिया गया है। तो इस पर हम सर्वे करने आए थे कि ये क्या ठीक रहा, क्या क्या बोलना चाहेंगे सर? ठीक है, कर रहे, जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी में कुछ प्रसिद्ध हुए थे? नहीं, पार्टी से मतलब नहीं, वो बीजेपी का है, अब बीजेपी में टिकट नहीं देते। नया चेहरा देखते, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे? बस वही कराए जी को देंगे। अरे इस बार हिना कांवरे जी पीछे हो रही है, ऐसा लग रहा है। अरे उनके 5 साल के जो अभी ये जो पिछले 5 साल के काम है, उससे कुछ जनता संतुष्ट नहीं है, ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है? नहीं, सही बात है। अब नवा देखो, अब हमने बहुत से गांव में सर्वे भी किया तो कई लोगों ने बोला है कि कई साल से हमने कांवरे को नहीं देखे करके, इस गांव में नहीं आई, ऐसे भी लोगों का कुछ ये था। नहीं, यहाँ भी जाकर नहीं आते। सही बात, आपका पूरा समर्थन है। मैंने इस बार आपको लगता है कि फिर से शिवराज सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। तो जैसे कांग्रेस, अभी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत आगे चल रही करके, तो आपका मानना क्या है? नहीं, आगे तो नहीं होगी, सरकार बीजेपी की बैठेगी। अच्छा, तो एक कारण बता सकते हैं आपकी, भटेरे जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया होगा? भटेरे को पता नहीं हो क्या है, तो एक जन चर्चा जो लोगों में चर्चा होती है। अच्छा आदमी है, इसलिए नया देख करके वोट देंगे उसको। बिल्कुल, 10 साल तक, 5 साल तक उसका भी देख लिए भटेरे जी का भी, और नवा चेहरा देखना चाहती है पब्लिक। चलो, जो भी ऊपर से निर्णय हुआ सही हुआ मानते हैं आप, है ना? तो और कुछ लोग खड़े, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। दादा, चुनाव है अभी इस बार, है ना? आ जाओ, इधर खड़े हो जाते पब्लिक में। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में, है ना? तो हम थोड़ा सर्वे पे निकले थे कि किसकी बनेगी सरकार, या फिर से शिवराज आएंगे? सकता है, अब मेरे अकेले के ऊपर तो है ही नहीं है, अंदाज लगाने है ना? अंदाज लगाने तो ऐसा है ना, जनता पे, पूरे मध्य प्रदेश की जनता पे है ना, अकेले पे तो है ही नहीं है। चलो, हम इस क्षेत्र की बात करेंगे। तो इस बार हिना कांवरे जी फिर से आएगी, रिपीट करेगी? शायद है इस बार, लाडली बहना के वजह से शायद है इस बार। तो वो भी तो 1500 कर रहे बोलते हैं, और दे जब तो ना, इनने तो दे दिया। हाँ, दे दिया। देना और उधारी और नकदी में बहुत अंतर है ना। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? अच्छा, हमने कल सुना था कि यहाँ कुछ मीटिंग हुआ है। हाँ, रमेश भटेरे समर्थक लोगों का। हाँ, नाराजी चल रही है, ऐसा कुछ सुना है हमने। हाँ, टिकट के लिए तो नाराजी चल रही है, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता उन लोगों में नाराजी आ गई। अच्छा, तो कराया जी को पसंद नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे ना, उतना आप आगे उतना ही नहीं है। मैंने भटेरे जी के समर्थकों का ऐसा मानना है? हाँ, वही है नहीं तो क्या। अच्छा, तो फिर क्या होगा, निर्णय क्या होगा फिर? अब दो का झगड़ा तीसरे का फायदा लग रहा है फिर हमको तो, क्या मालूम है ना? अरे इसमें तो सीधा सीधा हिना कांवरे को जिता रहे ना फिर तो। सबकी मत है, सबके मत पे, मेरे देखो इसमें अब मेरे अकेले के कहने से हो जाए तो यानी अंदाज लगा रहे हम कि अब जैसे भटेरे समर्थक है। हाँ, तो वो कराए जी को पसंद नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, कराए जी की टीम तो अलग है। हाँ, तो इससे फायदा होता किसको नजर आ रहा है फिर? फायदा तो जनता पे ना, मेरे कहने से क्या होगा? तो हिना कांवरे को फायदा नहीं हो रहा है? अब हो सकता है, फिर से आएंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप? फायदा तो मैडम को होगा अभी। बिल्कुल, इस बार भी पक्का है वो जीतेगी, ऐसा लग रहा है इनके हिसाब से तो वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, झगड़ा तीसरे का फायदा तो होना ही होना है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। रास्ता आसान हो गया, क्लियर लाइन, क्लियर, एकदम कमजोर लड़ाई। अच्छा, नहीं ताकत नहीं लगेगी, खर्चा भी नहीं लगेगा ज्यादा, खर्चा भी नहीं लगेगा। अक्सर दो का झगड़ा हो तीसरे का ही फायदा। भोपाल कांवरे जी के काम कैसे रहे? हिना कांवरे जी के काम से खुश है आप? ठीक है, अभी हुआ होगा वो, उसके लिए नहीं बोल सकते, बाकी अभी जो मतलब उसको गार्ड गिफ्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए भी। बिल्कुल सही है, लेकिन दमदार है, तब दमदार तो यहाँ दिखने रहे, उसको क्या तकलीफ आएगी? आपकी नजर में ऐसा कांवरे को टक्कर देने लायक, हिना कांवरे को टक्कर देने लायक का कोई ऐसा में कोई नहीं है फिलहाल में? नहीं लग रहा है? नहीं, कोई नहीं लग रहा है। अभी से मान ले घोषित कर दे कि यहाँ से कांग्रेस सीट निकल रही है, बहुत बड़ा एरिया है। चलो, ये टाइम आए तो बदल जाते हैं। चलो, ये की जन चर्चा करने आए थे हम लोग, के आगे फिर तो वो मतदाता लोग निश्चित करेंगे कि कौन किसको जिता के लाना चाहते हैं। आगे चल के पता चलेगा कि यहाँ से कांग्रेस आगे हो रही है, बीजेपी आगे हो रही। फिलहाल के लिए हम कांदरी में खड़े हैं, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से।
कैमरा मैन यशवंत दिल्लारे, मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।